नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम घातांक घड़ी के रूप पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, बाद में बाकी बातें करेंगे, लेकिन पहले आप इन क्वेश्चंस को देखिए। इन क्वेश्चंस को हम इजीली 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 7 होगा। अब ये कैसे होगा दोस्तों, ये वीडियो के हम बीच में पढ़ेंगे इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इजीली प्रॉपर बेसिक के साथ भी और ट्रिक के साथ भी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो भी 7 ही होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो अप्रोक्सन 8.5 होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो 9.5 होगा। और ये 400 माइनस 400, ये 400, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 19.5 होगा। दोस्तों ये 78 रूट 78 रूट 78 डॉट डॉट डॉट, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो 9 से 10 के बीच होगा। 9 से 10 के बीच होगा दोस्तों। अब ये 9 से 10 के बीच कितना होगा ये भी समझ लीजिए। तो 9 प्लस 6 बटे दोस्तों ये होगा 18। अप्रोक्स वैल्यू होगी दोस्तों ये, तो बाद में हम सीखेंगे कैसे होगा ये। दोस्तों 45 रूट 45 रूट 45, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 7 और 8 के बीच होगा। 7 और 8 के बीच होगा दोस्तों। 7 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, या फिर आप अप्रोक्सन वैल्यू बोल सकते हो डिजिट्स में। दोस्तों अगर कभी भी डिजिट्स में आपसे पूछा जाता है तो 7 प्लस 3 बटे 14, 7 प्लस 3 बटे 14। तो दोस्तों ऐसे 105 105 105, इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो आपकी 9 और 10 के बीच होगी। 9 और 10 के बीच होगी दोस्तों इसकी वैल्यू। और कितनी होगी, 9 प्लस 15 अपॉन 20। ये अप्रोक्स वैल्यू होगी दोस्तों, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, ये अप्रोक्स वैल्यू होगी। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम आज कितने रोमांचक, मतलब कहते हैं कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम, और वो भी विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड। सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं लगेंगे दोस्तों आपको, एक भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2-3 सेकंड ही लगेंगे। तो आपकी इस वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। हम आज इन्हीं क्वेश्चंस को प्रॉपर बेसिक भी समझेंगे और इनका ट्रिक भी समझेंगे। तो दोस्तों ये दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक कीजिएगा दोस्तों एंड शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, हम इन्हीं क्वेश्चंस को बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है √42 + √42 + √42 + √42 इनफिनिटी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं पहले इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहता हूं, मैं पहले आपको बेसिक समझाना चाहता हूं जिससे आप मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन पर फ्लॉप ना हो, किसी भी क्वेश्चन पर रुके नहीं दोस्तों, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके। तो पहले बेसिक जानिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर फॉर्मेट ऐसा ही हो और हर फॉर्मेट आपका ट्रिक से हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बेसिक आना बेहद जरूरी है दोस्तों, तो हम पहले उन्हीं पर बात करते हैं। तो √42 + √42 + √42 इस क्वेश्चन के लिखिएगा। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक रूल समझिएगा दोस्तों कि अगर कोई भी क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका इन्फिनिटी तक जाता है, मैथ्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इंफिनिटी तक जाता है तो आप उसके इक्वल क्या लेट कर लीजिए दोस्तों, एक्स इक्वल लेट कर लीजिए, उसके इक्वल एक्स लेट कर लीजिए दोस्तों। और एक्स लेट कर लोगे तो आप यहां पर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर कीजिएगा, तो आप यहां पर स्क्वायर करोगे दोनों साइड्स में तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों 42 + √42 + √42 + … इनफिनिटी।
अब यहां से आपको ये नजर आ रहा होगा दोस्तों कि ये वो नंबर है जिसको आपने लेट किया, किसके इक्वल, x के इक्वल, बिकॉज रूट 42 प्लस रूट 42 और कहां तक, इनफिनिटी टाइम्स, तो इसको x लिख दोगे तो ये नंबर हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 42 प्लस x। दोस्तों यहां से इसको इधर लेके आ जाइए तो x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आपका इस फॉर्मेट पर हर क्वेश्चन में क्या बनेगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनेगा। और ये द्विघात समीकरण दोस्तों हर बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए एक श्री भराचार्य जो गणितज्ञ थे, जिन्होंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये किसके लिए था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट में लिखा हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में लिखा हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे या जीरोस होंगे कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो कि आप इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कीजिए, तो वही करने वाले दोस्तों। x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 इक्वल्स टू 0 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप यहां से कंपैरिजन करके आप यहां पर a b c की वैल्यू निकाल कर पुट कीजिएगा, तो जिस क्वेश्चन के फैक्टर हो गए वो तो फैक्टर मेथड से हो जाएगा, और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं होंगे तो उसमें आपको ये श्रीधराचार्य जी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 42 के हमने फैक्टर किए दोस्तों, तो 6 × 7 आया, तो आपने इसको लिखा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप कॉमन लोगे दोस्तों, तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 7 प्लस 6 और ये x माइनस 7 और ये इक्वल्स टू 0, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी दोस्तों x माइनस 7 इक्वल 0 और यहां से x प्लस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू माइनस 6। तो देख रहे हो क्या मिला दोस्तों, क्वेश्चन ये था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बना, सॉल्व होना तो धराचार्य से, लेकिन हुए फैक्टर। अगर मैं गौर दूं तो इन फैक्टर्स के बीच में अंतर जो है दोस्तों वो एक का है, और एक का अंतर है इन दोनों के बीच में। ये दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स हैं या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, या बोल सकते हो कि लगातार गुणनखंड हैं। किसके? 42 के। ऐसे दो गुणनखंड हैं जो आपस में लगातार है। तो दोस्तों और यहां पर देखिए, हर बार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश कीजिए, पहुंच सकते हो दोस्तों। आप यहां पर अगर कोई और नंबर होगा 56 57 जो भी होगा, तो यहां 42 की जगह पर 56 57 83 89 जो भी नंबर होगा वो आएगा, ठीक है ना दोस्तों। हर बार आपका यहां पर सिंगल x ही आएगा, तो हमें बस यही बात करनी है दोस्तों, क्योंकि इनके बीच में एक ही अंतर है और हमें यहां पर एक ही x चाहिए था, तो आपका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट भी कर सकते। अब यहां पर बात आती है, इतना लंबा फैक्टर करके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो ये भी गलत है, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। फिर तो आप पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पूरा टाइम ले आओगे, तो इसको सॉल्व करने में तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें करना है कि देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने फैक्टर किए 6 और 7, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना, मतलब सॉल्यूशन फैक्टर से हम डायरेक्ट कैसे करें बिना इतना लिखे हुए, वो सीखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 42 है इसके फैक्टर हुए 6 और 7, तो हमें गुणा करके चाहिए 42 और जोड़ के घटा के चाहिए -1। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये लिख कर लेके जा रहे हो, आप क्या कीजिए कि यहीं पर इन फैक्टर्स को साइन के साथ लीजिए। तो मैंने इनको साइन के साथ लिया, तो एक नंबर बाय प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एक नंबर नेगेटिव होगा, या तो 6 होगा या 7 होगा। तो मैंने पहले 7 को नेगेटिवली, सॉरी 6 को नेगेटिव लेके देखा, तो 7 में से 6 माइनस होंगे तो प्लस का एक आएगा, लेकिन चाहिए मुझे माइनस का एक, तो यहां 7 माइनस का और 6 प्लस का।
तो 6 में से 7 माइनस करें तो हमने माइनस 1 आ गया दोस्तों, 6 और 7 का प्रोडक्ट माइनस 42 भी आ गया। तो जैसे ही आप इनको साइंस साइन चिन्हों के साथ फैक्टर कर लोगे वहीं पर हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो यहां से x की वैल्यू जो आएंगी दोस्तों वो प्लस के 6 और ये 7, इन्हीं दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। तो 6 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, इनके साइन चिन्ह चेंज कर दीजिए, बस इतना सा सॉल्यूशन होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो हम लौट कर आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर दोस्तों। तो दोस्तों अगर प्लस साइन है तो बड़ा फैक्टर और माइनस साइन है तो छोटा फैक्टर। तो चलिए हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं और हमें समझ में आ गया होगा कि कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए दोस्तों देखिए, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है √90 + √90 + √90 । देखिए मैंने आपको बोला कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि जब लगातार गुणनखंड निकले हैं ऐसे नंबर्स के तो भैया क्या करना है कि प्लस का साइन हो ऐसे फॉर्मेट में तो आंसर जो होगा वो बड़ा फैक्टर होगा, और माइनस का साइन हो दोस्तों तो आंसर जो होगा वो छोटा गुणनखंड होगा या छोटा फैक्टर होगा या स्मॉल फैक्टर होगा। तो दोस्तों यहां 90 के हमने फैक्टर किए 9 × 10, तो भैया 9 × 10 किया हमने, तो 9 और 10 दोनों में बड़ा 10 है और छोटा 9 है, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहां पर साइन जो है वो प्लस है। तो प्लस साइन है तो आप लिखिएगा डायरेक्ट आंसर कितना होगा, 10 होगा। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि √30 − √30 − √30 ……। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों इसके फैक्टर किए तो ये फैक्टर आए 5 × 6, तो भैया 5 × 6 आए दोस्तों, तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो माइनस साइन है फॉर्मेट में तो छोटा फैक्टर होगा, और छोटा फैक्टर कितना दोस्तों 5, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई 5। एक और क्वेश्चन दिया मैंने दोस्तों यहीं से, 420 − √420 ……। अब इस 420 के फैक्टर किए तो इसके फैक्टर आ गए 20 × 21, तो दोस्तों लगातार है 20 भी और 21 भी, 5 भी और 6 भी, 9 भी और 10 भी, तो यहां पर 20 और 21, तो आंसर जो होगा वो छोटा फैक्टर होगा दोस्तों या बड़ा फैक्टर होगा, आप ही बोल दीजिए। अरे ये फैक्टर होगा आपका छोटा, क्योंकि चिन्ह कैसा है दोस्तों, निगेटिव। अब बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जब लगातार गुणनखंड न हो तब हम क्या करें। देखिए दोस्तों अब इसी फॉर्मेट में हमारा अगला क्वेश्चन है √64 √64 + √64 ……। तो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके इक्वल x सेलेक्ट करता, क्योंकि ये नंबर जो है ये लगातार फैक्टर नहीं निकालेगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे वो 8 × 8 होंगे, 16 × 4 होंगे, 2 × 32 होंगे, ऐसे ही कुछ होंगे दोस्तों, तो जो हमारे लगातार नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट जो बनेगा इसका इक्वेशन बनेगा x सेलेक्ट करने पर x²−x − 64 = 0, जो भी हमने पीछे सिखाया है x सेलेक्ट करके स्क्वायर करके प्रॉपर बेसिक सॉल्व किया था, तो ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे दोस्तों। तो यहां पर सीन क्या है कि भाई यहां पर अब लगातार फैक्टर चाहिए, −1 चाहिए 64 को तोड़कर दो फैक्टर्स में, तो नहीं लगेगा। तो आप क्या लगाओगे यहां पे, श्री धराचार्य लगाओ, और सभी हाथ लगाने जाओगे दोस्तों तो आपको टाइम लग जाएगा, और टाइम लग जाएगा तो बस सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कंपटीशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है भैया तो टाइम से बचाएंगे हम, और टाइम से कैसे बचाएंगे, बस यही देखिए। अगर आप गौर दीजिए तो ये जो 64 है, ये 64 कैसा नंबर है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है भाई साहब आपका ऐसे फॉर्मेट में, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है ऐसे फॉर्मेट में दोस्तों, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली बस
प्लस का साइन दिखे अगर इस फॉर्मेट में, तो जो आंसर होगा वो आंसर होगा भाई तुम्हारा स्क्वायर रूट प्लस 0.5। और अगर माइनस का साइन दिखे दोस्तों तो जो आंसर होगा आपका वो स्क्वायर रूट माइनस 0.5। दोस्तों ये पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये ट्रिक पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे कि पूरे यूट्यूब पर ये मेथड कहीं नहीं मिलेगा आपको, कि नॉर्मली जो मैंने अभी पिछला सवाल कराए थे 42 वाला, 56 वाला, 30 वाला, 90 वाला, ये क्वेश्चन आपको हर वीडियो में मिलेगा, हर एक तीसरे व्यक्ति के पास से मिलेगा, हर कोई पढ़ा रहा हो दोस्तों। लेकिन मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि ये पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी आपको दोस्तों, और आप इसका आंसर सीधा दे सकते हो कि भाई 64, और 64 का जो वर्गमूल होगा आपको ये बता दिया जाएगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 8 और 9 के बीच में आएगी, लेकिन कितनी आएगी ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों। तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, और अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करा दो, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहे दोस्तों। तो 64 को भैया वर्गमूल जो होगा वो वर्गमूल कितना होगा भाई 8 होगा, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्लस साइन है, तो मैंने बोला 8 वर्गमूल प्लस 0.5, अगर माइनस साइन है तो वर्गमूल माइनस 0.5, तो वर्गमूल 8 और प्लस 0.5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर 8.5 हो जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम, एक और क्वेश्चन दिया भाई हमने कि रूट आपका 144 प्लस रूट 144 प्लस रूट 144 डॉट 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 इंफिनिटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए 144 जो है ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा इसका स्क्वायर रूट। तो 144 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होगा 12 होगा, कितना होगा दोस्तों 12 होगा। और आगे क्या करना है हमें, अगर प्लस साइन है तो प्लस कीजिए, माइनस साइन हो तो माइनस कीजिए, पर कितना 0.5, कितना भाई दोस्तों 0.5। तो 12 प्लस 0.5 ये हो गया आपका 12.5, कितना हो गया दोस्तों 12.5। अब यहीं पर बात करते हैं दोस्तों हम एक और क्वेश्चन के साथ, कि मैंने क्वेश्चन दिया भाई कितना आपका 441 माइनस रूट 441 माइनस रूट 441 डॉट 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 इंफिनिटी। तो अब देखिए 441 भी परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों, तो 441 का वर्गमूल जो होगा वो वर्गमूल होगा 21। और मैंने बोला कि आपको आंसर के लिए करना क्या है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट लिखिए, अगर प्लस साइन है फॉर्मेट में तो प्लस 0.5 कीजिए, अगर माइनस साइन है तो माइनस 0.5 कर दीजिए, और फिलहाल यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिया, और ये आ गया आपका कितना आंसर 20.5। 21 में से 0.5 माइनस होंगे तो 20.5 हो जाएगा दोस्तों, 20.5। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए देखिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो ये है कि रूट 45 प्लस रूट 45 प्लस रूट 45 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो दोस्तों यहां पर हमें नजर आ रहा है कि 45 के अगर हम फैक्टर करने जाते हैं तो 9.5 आते हैं, या 15.3 आते हैं, तो ये लगातार नहीं है। 45 को देखते हैं दोस्तों तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। अब कहने का मतलब यह है कि हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े आज की इस वीडियो में। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा दोस्तों कि जब लगातार गुणनखंड होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स होते हैं, तो उस केस में अगर क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह है तो आपका आंसर बड़ा फैक्टर होगा, और अगर माइनस का साइन है दोस्तों तो आपका आंसर छोटा फैक्टर होगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अभी हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई अगर इस तरह के फॉर्मेट में रूट प्लस रूट प्लस रूट माइनस प्लस, ये इस तरह के फॉर्मेट में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उस केस के लिए हमने पढ़ा था कि आंसर जो होगा वो उस नंबर का वर्गमूल प्लस 0.5 होगा।
या उस नंबर का वर्गमूल माइनस पॉइंट फाइव होगा, प्लस के साइन के लिए प्लस आएगा, माइनस के साइन के लिए माइनस पॉइंट फाइव होगा। ये कॉन्सेप्ट पड़ा दोस्तों। लेकिन अभी हम इस नंबर को देखते हैं तो ये नंबर न तो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स निकालता है ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस केस में हमें क्या करना है बस यही समझना है दोस्तों। तो बेसिकली तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका स्क्वायर, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 45। तो धराचार्य जी तो तैयार बैठे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमें कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बस ये समझना है दोस्तों। और ये देखिए तो करने का तरीका क्या है कि आप इस 45 से पहले का वो नंबर ढूंढिए जिसके लगातार गुणनखंड निकलते हैं, इस 45 से पहले का वो नंबर ढूंढिए जिसके लगातार गुणनखंड निकलते हों, एक बाद का नंबर ढूंढिए जिसके लगातार गुणनखंड निकलते हों। तो भैया 45 से पहले आएगा √42। तो अगर मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन में √42 होता तो आपका आंसर जो होता दोस्तों 6 × 7, तो आंसर होता 7। अगर इस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में 45 की सभी जगहों पर क्या लिख दिया जाए 42, तो आंसर होता आपका, क्योंकि 42 के वेक्टर आते 6 7 जो लगातार होते, लगातार होते भैया तो आपका प्लस साइन होता, तो प्लस साइन होता बड़ा फैक्टर होता आंसर। यहीं पर इसके बाद देखा हमने तो 6 7, तो अगला होगा 7 8 मतलब 56, और 56 अगर इस तरह के फॉर्मेट में होता तो जो आंसर होता दोस्तों वो 8 आंसर होता। तो यहां से सीखने को ये मिलता है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये 42 तो है नहीं, ना ही 56 है, 42 से ज्यादा है मतलब आंसर 7 से ज्यादा है, तो आंसर इसका 7 से ज्यादा हो गया दोस्तों। अब वहीं पर 56 से कम है तो इसका आंसर 8 से कम हो गया दोस्तों। तो 7 से ज्यादा और 8 से कम क्या आंसर निकल गया दोस्तों, 7 से ज्यादा और 8 से कम आंसर निकल गया। अब ये तो देखिए हमने ओरल आंसर निकाल लिया, इजीली निकाल लिया, बट अभी यहां पर हमें ये नहीं पता कि फिक्स्ड वैल्यू क्या रही होगी। ये कोई ना कोई जो मान रहा होगा 7 से कितना ज्यादा, 7.2 7.3 7.5 7.6 7.32, कितना नंबर रहा होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन हम दोस्तों इसको भी पता करेंगे। और मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको पूरे YouTube पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका, कोई तरीका ही नहीं मिलेगा, कोई नहीं पढ़ा रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको जरूर शेयर कीजिए, कमेंट में लिखकर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो 7 से ज्यादा और 8 से कम ये रहा होगा आपका। अब यहां पर कितना ज्यादा बस यही पता करते हैं। तो देखिए 42 होता तो 7 से ज्यादा होगा प्लस आएंगे, तो 42 होता तो आपका आंसर 7 होता, 42 से ये कितना ज्यादा है दोस्तों 3 ज्यादा, तो मुझे भी 3 ज्यादा कर ले। लेकिन देखिए दोस्तों ये 42 है, ये 42 है और ये 56 है, तो 42 से 56 कहने का मतलब ये है कि कितने बढ़ाए जा रहे हैं, 14 बढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। तो 42 से 56 तक 14 बढ़ाए जा रहे हैं, 14 बढ़ाए जा रहे हैं, 14 बढ़ाने पर जो आंसर बढ़ रहा है वो तुम्हारा 7 से 8 सिर्फ 1 बढ़ रहा है। 14 बढ़ाने पर आंसर 1 बढ़ा तो मुझे बढ़ाने हैं 3, तो 3 बढ़ाने पर कितना बढ़ेगा 3/14, तो 7 + 3/14 या 7.2, और ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स हैं, तो ये अप्रोक्स वैल्यू है दोस्तों। कैसी वैल्यू है दोस्तों, अप्रोक्स वैल्यू है, ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्या हैं, तो इनके मान पूरी तरह से नहीं निकलते। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है दोस्तों जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे दोस्तों एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसी फॉर्मेट से कि √78 + √78 + ……. यही फॉर्मेट है। 78 से पहले वो नंबर जिसके लगातार फैक्टर होंगे वो 72 होगा, जिसके आप 8 × 9 लिखोगे और आंसर इस फॉर्मेट में 9 होता। अगर इस 78 की जगह पर हर जगह पर 72 हो जाए तो आंसर 9 होगा। दूसरा नंबर इसके बाद का ढूंढा दोस्तों, तो 8 9 हो गया, तभी 9 10 होगा, तो 90 + 90 ये चल रहा होगा, तो यहां से फैक्टर आएंगे 9 × 10 और आंसर जो होता वो 10 होता इस फॉर्मेट का दोस्तों।
लेकिन मुझे जो आंसर निकालना है वो अपने इस क्वेश्चन का निकालना है 78+78+78 .. इन्फिनिटी इस क्वेश्चन का। तो देखिए ना तो 72 है और ना ही ये 90 है, मतलब कहने का ये है कि इसका जो आंसर होगा 72 से बड़ा है तो 9 से ज्यादा होगा, और ये 9 से ज्यादा होगा दोस्तों और 90 से छोटा है तो भैया आंसर 10 से कम होगा इसका। तो 9 और 10 के बीच में लाई कर रहा होगा इसका आंसर दोस्तों। अब यही पता करना है कि 9 से कितना ज्यादा होगा, तो 9 प्लस कर लीजिए। तो देखिए 72 से 90 तक कितने बढ़ाए जा रहे हैं, 18। 18 बढ़ाने पर आंसर 9 से 10 हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि 18 बढ़ाने पर एक आंसर बढ़ता है बस। आंसर में जो इंक्रीमेंट होता है दोस्तों वो सिर्फ एक का होता है। तो यहां से ये नंबर 18 बढ़ाने पर ये नंबर सिर्फ आंसर आपका एक बढ़ रहा है। तो भैया 72 से 78 करना है मुझे, कितना बढ़ाना है दोस्तों, 6 बढ़ाना है, बट कितने में से दोस्तों, 18 में से कितना बढ़ाना है दोस्तों मुझे, 6 बढ़ाना है। तो 6 से 18 तीन बार, तो 9.33 अप्रोक्सन ये वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी दोस्तों, 9.33 ये वैल्यू होगी आपकी। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है √105 - √105 - √105 .. इनफिनिटी। उसी फॉर्मेट से है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है कि आप क्या कीजिए, इससे पहला वो नंबर ढूंढिए जिसके लगातार फैक्टर होते होंगे तो वो 90 होगी। अब ये 90 के फैक्टर दिए, 9 × 10 हो गए और 9 × 10 हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर साइन कैसा है, माइनस का है, तो आंसर जो होता है इस क्वेश्चन का वो कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। क्योंकि अगर 105 की जगह पर मैं 90 यहाँ पे रख दूं तो उसके फैक्टर करोगे आप 9 × 10, तो आंसर कौन सा आता दोस्तों, 9 आता, क्योंकि छोटा फैक्टर इसलिए आता, साइन कैसा है माइनस। अब यहां से आगे अगला वाला नंबर मैंने बता दिया, तो 105 9 × 10 = 10 × 11 110। अब इस फॉर्मेट पर 110 होता तो आंसर जो होता 10 × 11 फैक्टर होते, तो आंसर होता इस क्वेश्चन का 10। क्यों, क्योंकि नेगेटिव फॉर्मेट है, नेगेटिव साइन लगे हुए हैं दोस्तों, तो छोटा फैक्टर आपका आंसर होता। तो भैया छोटा फैक्टर आपका आंसर होता तो 10 होता दोस्तों। अब यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 9 से ज्यादा आ गया और 10 से कम आ गया। तो फिर से दोस्तों हमें पता करना है कि 9 से कितना ज्यादा और 10 से कितना कम है दोस्तों। तो आप 9 प्लस कितना लिखेंगे दोस्तों, 90 से 110 तक कितना बढ़ा रहा है, ये 20 बढ़ा रहा है। तो 20 बढ़ा रहा है, तो 20 बढ़ाने पर आंसर सिर्फ 9 से 10 हो रहा है। 20 बढ़ाने पर आंसर 9 से 10 हो रहा है, मतलब 20 बढ़ाने पर आंसर 1 बढ़ता है। तो 20 बढ़ाने पर आंसर 1 बढ़ता है, मुझे बढ़ाने हैं दोस्तों 15, क्योंकि 90 से 105 करने के लिए कितने बढ़ाने होंगे, 15। और 15 बढ़ाने भैया कितने में से, 20 में से बढ़ाने हैं, तो 15 20 में से बढ़ाने हैं, तो आंसर हो जाएगा 9 + 15/20, और इसको काट दोगे तो 3/4, तो आंसर आ गया 9.75। और ये मैंने बोला फिर से कि ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सन वैल्यू है, ये अप्रोक्स वैल्यू भैया, ये कोई आपका फिक्स आंसर नहीं है। लेकिन जो भी मान होगा वो इसके इर्द गिर्द होगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो उम्मीद है कि समझ में आई होगी, और अगर ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।